अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन एंड स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी। वेलकम यू टू ऑल साइंस क्लास। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम SLO 3 पेज 10 जो है वो पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं SLO 3। कंपेयर एंड सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैस, वॉल्यूम, स्टेट्स ऑफ मैटर, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। वेयर इज दिस SLO एड्रेस्ड इन द बुक? दिस SLO इज एड्रेस्ड इन माई साइंस बुक 4, यूनिट 4, ऑन पेज 51। वाई टू स्टडी दिस SLO? स्कैन द गिवन QR कोड टू नो द पर्पज ऑफ दिस SLO। स्कैन द गिवन QR कोड टू लर्न अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैस, देन सॉल्व द गिवन टास्क। जी तो स्टूडेंट्स, जो आपको 2 QR कोड दिए गए हैं, फर्स्ट को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको इस SLO को पढ़ने का मकसद बताया जाएगा। नेक्स्ट में बेटे हमारे पास एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसको आप सुनने के बाद नेक्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम ये SLO क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकें। जैसे हमारे पास है मैस है, वॉल्यूम है, तो वो क्या होते हैं, उन वो हमारे पास ज़िंदगी में हमें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स क्या होती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि हीट को पास आउट होने देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हीट को पास आउट नहीं होने देती हैं, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग 5 senses। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप अपनी 5 senses से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की आप फाइंड आउट करें उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ 5 senses से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बता देना है। जैसे हमारे पास है मैस है, वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। जैसे बेटे हमारे पास मैस क्या होता है? अब मैस हमारे पास द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की अमाउंट है उसको हम मैस कहते हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास वॉल्यूम है, कि वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, वो स्पेस जिसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो है वो कब्जा किया हुआ है, उसने उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो हमारे पास वॉल्यूम होता है। चलिए बेटे हम चलते हैं टास्क 1 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन है। स्टेप 1 क्या है? लर्न अबाउट द वॉल्यूम एज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड परफॉर्म द गिवन एक्सपेरिमेंट। जैसे बेटे मैंने आपको अभी बताया है कि वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, वो स्पेस जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है, कब्जा किया होता है, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। रीड द वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इन योर हाउस, यू हैव मैनी बॉटल्स एंड कर्टन्स ऑफ जूस, मिल्क, वॉशरूम क्लीनर, हेयर स्प्रेज, लोशन एट्सेट्रा। कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी बॉटल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास है जूस का कर्टन है, मिल्क का है, वॉशरूम क्लीनर होते हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं बेटे, लोशंस होते हैं। रीड द बॉटल्स एंड कर्टन्स टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, आपने बहुत गौर से उनके अंदर मौजूद जो लिक्विड है, जैसे हमारे पास बोतल के अंदर ऑयल है, लोशन है, या फिर कर्टन में मिल्क है, जूस है, तो आपने उसको अच्छे से रीड आउट करना है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल, और फिर यहाँ पर आपने उसको फिल करना है। कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल वॉल्यूम को? जैसे हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास है ऑयल 585 ml, लोशन है, परफ्यूम है, जूस है, मिल्क है, तो ये सारे हमने यहाँ पर मेंशन किए, तो इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए मैंने ये फाइंड आउट किया बेटे, आप घर में से कोई भी अपनी एक बोतल लेंगे ऑयल, लोशन, या फिर किसी भी चीज़ के लिए लोशन बोतल ले लेंगे, आपने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, जितना उसके अंदर लिक्विड मौजूद है, जैसे फ़र्ज करें यहाँ तक हमारे पास लिक्विड मौजूद है, तो इस लिक्विड की यहाँ तक हमने हाइट फाइंड आउट करनी है स्केल के ज़रिए, उसके बाद यहाँ पे हमने उसका डायामीटर फाइंड आउट करना है। डायामीटर के लिए हमें वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत होगी, वर्नियर कैलिपर के थ्रू मदद से हम यहाँ पे उसका डायामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास चलते हैं, वॉल्यूम है V = π r² h, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है बेटे। h जो है यहाँ पर हाइट है, r जो है वो रेडियस है, रेडियस जो है वो हमारे पास सर्कल का हाफ होता है, यहाँ पर हमने फुल जो है वो डायमीटर लिया, तो यहाँ पे हम उसको हाफ कर लेंगे, r = d/2। तो हमारे पास डायमीटर था 6.525 cm और हाइट हमारे पास है 17.5 cm, तो यहाँ पर हम उसका हाफ लेंगे तो वो 3.2625 cm हो जाएगा।
एच जो है वो हमारे पास, हाइट जो है वो 17.5 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम फॉर्मूले में हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 585 ml आ जाएगा। आप कोई भी बॉटल उठाएंगे, लोशन, ऑयल या फिर परफ्यूम वाली कोई भी बॉटल उठाएंगे, तो उसके ऊपर राइट किया होता है लास्ट पे कि ये कितने ml इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम मौजूद है। तो आप वहाँ से देख के भी राइट कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर मौजूद है तो आप अपने घर में बॉटल से उसको फाइंड आउट करके भी राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।